हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इट्स बीन 7 to 8 months जब से हम सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं। एंड घर से काम करने का मतलब ये है यार कि मैंने अपना जो वर्क डेस्क है वो अपने बेडरूम में ही सेटअप कर लिया। इट मींस कि सुबह उठने के बाद में आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई यूज टू गो बैक टू माय वर्क स्टेशन एंड दैट इज इन माय बेडरूम। मैं वहां पे काम करती हूं पूरे 8 से 10 घंटे। एंड देन अगेन आई यूज टू कम आउट फॉर लाइक लंच और डिनर एंड देन अगेन आई यूज टू गो बैक फॉर वर्किंग। दैट मींस कि मैं अपने पूरे दिन का 70 to 80% ऑफ द टाइम अपने बेडरूम में ही स्पेंड कर रही हूं। और ये शुरू में मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और अच्छा लगता था कि यार बड़ा रिलैक्स है, बड़ा अच्छा है एंड ऑल दैट। बट नाउ इट्स बीन ओवर 7 to 8 months और मुझे अब लग रहा है कि आई रियली नीड अ चेंज एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गिव अ लिटिल मेकओवर टू माय बेडरूम एंड दैट्स व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड अ लिटिल ऑन सम क्यूट एंड कोजी प्रोडक्ट्स टू इंप्रोवाइज द लुक ऑफ माय बेडरूम। और मुझे लगता है कि जो चीजें मैंने खरीदी है मे बी आप लोग को भी अपने बेडरूम को रिवैम्प करने में काम आ सकती है। सो आई एम गोइंग टू शेयर द डिटेल्स ऑफ ऑल दोस प्रोडक्ट्स विद यू। बट गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यू नो व्हाट टू डू, टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट। गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप इफ यू लाइक द content and do comment your thoughts below after watching the video. And now guys, I'm going to start with the product number one. Talking about the bedroom, the first thing that comes into our mind is bed itself. So how to make your bed cozier? तो अगर हम लोग cozy bedroom का नाम सुनते तो हमें याद आता है वो hotel वाले bedrooms जहाँ पे हम लोग जाया करते थे, जो बहुत ज़्यादा comforting और cozy और inviting लगते हैं। So I just want to talk a little about the layers जो कि हमारे hotel के beds में use होते हैं and that makes the bed very very cozy and comforting. So the first layer that goes is the mattress itself. Mattress के ऊपर हम use करते हैं mattress topper is kind of a 2-3 inch ka layer that is very very cozy. Now mattress topper ke upar hamari jo layer jati hai that is the elastic bed sheet. Wo elastic bed sheet ka role ye hota hai ki wo mattress topper ko mattress se you know bind karke rakhe and after that elastic bed sheet goes our normal bed sheet jo ki hum log normally hamare ghar pe bichhate hain and uske baad we use our duvet and comforters jo hamare pure ke pure bed ko bahut hi zyada cozy look dete hai and uske upar for the aesthetic purpose you can add on any kind of throw blanket wo cotton में भी हो सकता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी एस्थेटिक लुक टू योर बेड। सो सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट द लेयर्स, तो जो पहली लेयर है दैट इज द मैट्रेस, वो मेरे पास पहले से है जो कि मैं पिछले 3 साल से यूज कर रही हूं और वो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, तो आई थॉट कि मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। उसके ऊपर आई थॉट ऑफ एडिंग द मैट्रेस टॉपर और मुझे वो अमेजोन पे मिल रहा था बहुत ही ज्यादा कोजी एंड कंफर्टिंग एंड अंडर द बजट एंड दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड ऑन दैट। सो इट केम अप लाइक दिस अमेजोन से, मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया और इसको मैंने एक्जैक्टली मेरे मैट्रेस के साइज में मंगाया दैट इज 72 इंच बाई 72 इंच। Now I'm going to open this and show you कितना ज़्यादा cozy and comforting है। As you guys can see that this is a padded top cover जिसको मैं बिछाने वाली हूँ अपने mattress के ऊपर directly. This looks very very padded and comforting. मुझे लगता है कि इसको अगर मैं अपने mattress के ऊपर बिछाऊंगी तो उसका जो you know all over fluffiness का है वो improve हो जाएगा. And I'm also going to show you that how this is going to fit on my mattress. So make sure to watch this video till the end because मैं आप लोग को पूरा का पूरा room decor करके भी दिखाऊंगी. Also guys, इसके बाद बारी आती है हमारी fitting bed sheet की जो कि हमारे mattress topper और हमारे mattress को bind करके रखेगा. And I have ordered that as well. So let me show you. So guys, ये हमारी थर्ड लेयर वाली इलास्टिक बेडशीट क्योंकि इसकी जो साइड्स में वो इलास्टिक लगा होता है एंड दैट इज गोइंग टू मेक श्योर कि हमारा जो मैट्रेस टॉपर है वो हमारे मैट्रेस के ऊपर ही रहे। एंड इसको लिया मैंने थोड़े से टॉवल वाले टेक्सचर में ताकि इसके ऊपर जब मैं बेडशीट बिछाऊंगी तो ये हेल्प करेगा जो बेडशीट को ग्रिप करने में ताकि बेडशीट जो है वो बहुत ज्यादा इधर उधर ना हो, अपनी जगह पर ही रहे। इसके बाद बारी आती है बेडशीट की, तो आप लोग अपने हिसाब से या फिर अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी बेडशीट चूज कर सकते हो बट मुझे हमेशा से यू नो व्हाइट और बेज कलर की बेडशीट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आई हैव ऑलरेडी वन बेडशीट जो मैंने अमेजोन बेसिक्स से ऑर्डर की थी एंड दैट इज दिस वन। तो आई बॉट दिस 2-3 मंथ्स बैक, तो इसलिए मैंने बेडशीट पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे पिलो कवर्स की, तो आई वुड रेकमेंड यू गाइस कि अगर आप लोग के पास पिलो नहीं है और यू आर थिंकिंग कि आप लोग को किसी डिसेंट पिलो में इन्वेस्ट करना चाहिए देन ट्राई बाइंग द माइक्रोफाइबर पिलोज। मेरे पास जो 2-3 रिकमेंडेशन है जो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगी वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि उसमें से ही मैंने 2 खरीदे थे 3 साल पहले और वो अभी तक वैसे के वैसे ही है एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार मेरे पास पिलो तो ऑलरेडी है ही बट देन आई वॉन्टेड टू बाई सम एक्सेंट पिलोज जो कि मेरे पूरे बेड का ऑल ओवर लुक को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करते एंड दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड इन 3 वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिलो कवर्स एंड दैट आई एम गोइंग टू शो यू। सो द फर्स्ट पिलो कवर दैट आई हैव बॉट इज दिस वन। दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्ड वन, दिस इज इन 18 बाई 18 इंच और इसका ये जो ब्लैक एंड व्हाइट लुक है ये मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा एंड इसका जो फिनिश है दैट इज नॉट वेरी सॉफ्ट, इट इज इन द कार्पेट काइंड ऑफ टेक्सचर और इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिखा था दैट इट हैज बीन हैंड सूड। तो क्वालिटी वाइज गाइज दिस इज रियली रियली गुड क्योंकि जैसे ही आया था तो कोरोना सिचुएशन की वजह से मैंने इसको तुरंत के तुरंत एक बार हैंड वॉश कर दिया था। मशीन वॉश मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज दिस इज लिटिल एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव और मुझे लगा कि मे बी अगर खराब हो गया तो दैट्स वाई आई जस्ट डिड अ हैंड वॉश एंड उसके बाद भी इसका ना कलर गया, उसका टेक्सचर भी वैसा का वैसा ही. सो दिस इज अ रियली रियली गुड बाय. अगर आप लोगों को भी लग रहा हो कि दिस कैन मेक इट टू योर बेड, देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस वन. The next pillow cover that I've invested in is this threadwork का pillow cover. मेरे को ये थोड़ा सा expensive लग रहा था जब मैं इसको खरीदने वाली थी, because this was costing somewhere around 600-700. But जब मैंने इसका description में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये पूरा का पूरा handmade है and that's why this is little expensive. मुझे पता है अगर मैं इसको कहीं Delhi Heart वगैरह से लेती तो मुझे 400 या 300 रुपए के तक का पड़ जाता. But यार अब हम लोग online shopping ही कर रहे हैं, then we have to pay for it. But I'm really impressed by the quality and its texture. इसका जो detailed threadwork है that has really really impressed me. और इसके चारों साइड पे लगे हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट ब्लैक कलर के टैसल्स that really improvises the all over look of this pillow cover. After these accent pillow covers, मुझे थोड़े से normal pillow covers भी चाहिए थे. So I bought these 100% cotton वाले pillow covers because these are very very soft और इनको मैं एक बार wash भी कर चुकी हूँ तो उनका कलर बिल्कुल भी निकला. And this is very easily machine washable. इसके description में ही लिखा था तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप लोग को इसको हैंड वॉश करना है. सो इफ यू लाइक दिस टेक्सचर एंड इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन सम कॉटन पिलो covered, then you can definitely go for this one. So after talking about the bed sheet comes our comforter. Comforter में आप लोगों को बहुत सारे types के आते हैं. हमारे पास comforter आते हैं जो आप winter में use कर सको. Then there are some cotton comforter जो आप लोग summer में भी use कर सकते हैं. I have invested in this comforter. मैंने इसका जो details है मैं आपको description में दे दूंगी. ये ऐसा comforter है that you guys can use when the AC is on. जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तब आप इसको नहीं use कर पाओगे because definitely it is going to give you some warmth and that you don't want. But हमारा अभी जो season चल रहा है October वाला, जब ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंडी लगती है शाम के time पे, then at that time we can definitely use this because this is really really comforting. बहुत ही ज़्यादा soothing warm देता है while you sleep. So if you're looking for some comforter like this, then this is a very very good buy. Also guys, ये two sided है. एक side से तो ये brown है, dark brown color, और दूसरे side से ये थोड़ा सा beige finish में. और मैंने ये color इसलिए choose किया क्योंकि मैं usually bed sheets जो खरीदती हूँ वो बहुत ज़्यादा light color में खरीदती हूँ. And that's why I think this is going to look good with my bed. But इसमें और भी बहुत सारे color options available है. अगर आप लोगों को brown नहीं अच्छा लगता, then there are many more to choose from. So next up on my list is this macrame wall hanging. Lately मुझे ये जूट और macrame वाली चीजें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी. And then I saw this piece on Amazon for just 1000 rupees. क्योंकि इसकी जो length and width है, this is really really long. मैं इसका exact क्या length and width है मैं आप लोगों को यहाँ screen में कहीं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा. तो according to that and according to the detailing, 1000 rupees is really really worth it. But मुझे अभी भी नहीं पता कि how I am going to use this in my bedroom. But that we are going to find out in the end of the video. So let's move on to the next product. So guys, the next of that I have bought is a फ्लोर रग. मुझे हमेशा से ऐसा फ्लोर रग चाहिए था जो बहुत ज़्यादा यू नो वेलवेटी और स्मूथ टेक्सचर में नहीं हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उस टाइप के जो रग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डस्ट को होल्ड नहीं कर पाते. एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम आई थॉट ऑफ बाइंग अ रग इन द जूट फिनिश, क्योंकि मेरा जूट के साथ ये एक्सपीरियंस रहा है कि वो डस्ट को तो रोकता ही है, प्लस वो आपके ऑल ओवर बेडरूम को बहुत ही ज़्यादा बोहेमियन लुक देता है. एंड दैट्स व्हाई आई बॉट दिस वन. So it looks something like this and it is really really big. Its diameter is around 120 cm. Now guys, lastly I have bought two stools for my bedroom. क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं एक ही जगह पे बैठ के काम करते करते बोर हो जाती हूँ अपने डेस्कटॉप पे. एंड एट दैट टाइम मुझे लगता है कि यू नो फ्लोर पे मुझे थोड़ी सी हाइट मिल जाए जहाँ पे मैं अपना लैपटॉप आराम से रख लूँ और बैठ के काम कर लूँ. एंड दैट्स व्हाई आई हैव बीन सर्चिंग फॉर स्टूल्स जो कि मेरे यू नो पूरे रूम के डेकोर के साथ भी जाए, प्लस मेरा पर्पस भी सॉल्व कर दे. एंड देन आई सॉ दीज टूल्स ऑन अमेजोन जिसका मुझे फिनिश बहुत ज्यादा अच्छा लगा. प्लस दीज आर हैविंग फोर लेग्स टू टेक योर वेट, और इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये 80-90 kg तक का वेट ले लेता है. तो यार अकॉर्डिंग टू दी प्राइस दिस इज अ वेरी वेरी डिसेंट बाय. तो अगर आप लोग भी कुछ अच्छे स्टूल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, देन मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड बाय गाइस, यू कैन गो फॉर इट. सो गाइस, नाउ आई हैव शोन यू ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बॉट टू इम्प्रोवाइज माय बेडरूम. नाउ लेट्स गो इनटू द बेडरूम. मैं आप लोग को अभी प्रेजेंट कंडीशन दिखाती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू एड ऑन ऑल दीज थिंग्स. प्लस देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, आई एम गोइंग टू एड ऑन ऑल दोज इन माय बेडरूम एंड लेट्स सी द आउटपुट. तो गाइस, यहाँ से एंट्री करने के बाद भी ऑन द राइट साइड आई हैव माय बेड, और बेड के ऊपर मैंने टांगी हुई है ये कुछ आर्टिफिशियल दिवाली वाली लाइट्स, क्योंकि मुझे शाम के टाइम में इनका ये जो येलो टच होता है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव हैंगड इट. नेक्स्ट टू इट आई हैव दिस वेरी नाइस वॉल जहाँ पे मैं कुछ कर सकती हूँ, बट अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है. एंड नाउ नेक्स्ट टू इट आई हैव दिस गैलरी दैट इज लीडिंग अस टू द टॉयलेट जिसका हम लोग अभी कुछ भी नहीं करने वाले हैं. एंड आफ्टर दिस कम्स माय वर्क स्टेशन जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ. आफ्टर दिस कम्स दिस ब्लैंक वॉल जहाँ पे मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है अगेन. एंड नाउ नेक्स्ट टू इट इज दिस बालकनी डोर. नाउ अटैच टू द बालकनी वॉल आई हैव दिस रियली रियली ब्यूटीफुल वॉल जहाँ पे मैंने ये हैप्पीनेस का बोर्ड टांगा हुआ है. ये मैंने स्टोर 99 से लिया था, बट आई थिंक आई कैन चेंज दिस वॉल एज वेल. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद रिमूविंग द ओल्ड बेडिंग फर्स्ट.
सो द फर्स्ट लेयर दैट वी गॉट इज दिस ओल्ड मैट्रेस दैट आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम पास्ट 3 years. इसके ऊपर आई एम गोइंग टू एड द मैट्रेस टॉपर एंड आई वाज रियली हैप्पी टू फाइंड दिस 4 इलास्टिक पीसेस ऑन द 4 साइड्स ऑफ द मैट्रेस टॉपर जो कि अश्योर करेगा कि जो हमारा मैट्रेस टॉपर है वो हमारे मैट्रेस से ही लगा रहे. Now I'm going to use this elastic bedsheet that will wrap the mattress topper with the mattress. Now over the elastic bedsheet I'm going to add our normal bedsheet. Now over the bedsheet I'm going to add my comforter और comforter के ऊपर I'm going to add my throw blanket और throw blanket की जो details वो भी मैं आपको नीचे description में दे दूंगी. Now finally I'm going to add some normal pillows as well as the accent pillows जो मैंने Amazon से खरीदे थे. Now I'm going to use these sticky hooks to hang the macrame on the wall behind my bed. Now I have this triangular light जो मैंने भागीरथ पैलेस दिल्ली से लिया था 1 साल पहले for somewhere around 300 rupees. But ऐसा मैंने similar lamp देखा था Amazon पे भी, तो उसका link जो है मैं आपको नीचे description में दे दूंगी. Now I'm going to add a plant on the side of the bed to break the monotony of these subtle colors. The good part is that this plant is also going to help me to hide the wires behind it. Now I'm going to add 2 frames on this wall. इसके जो prints है ये मैंने खुद से Google करके prints लिए थे और इसका जो frame है इसका जो detail है मैं आपको नीचे description में दे दूंगी, ये मैंने Amazon से ही लिया था. Now moving on to the wall जो कि मेरे balcony door से लगी हुई है, इसमें मैं add करने वाली हूँ ये वाली shelf. ये shelf मैंने खुद से DIY किया था by adding these clips on the back of this plank. Now I'm going to add this beautiful planter to the shelf और इसके साथ में I'm going to add few knickknacks जो मेरे पास already घर पे available थे. Now lastly I have my rug and my stools remaining. तो क्योंकि मेरा rug बहुत बड़ा था तो मैंने इसे half करके एक कोने में लगा दिया and उसके ऊपर I'm going to place my stools और stools के ऊपर थोड़ा सा cozy look देने के लिए I'm going to add this small cute pillow and lastly for completing the look I'm going to add this cute board जो मैंने लिया था Store99 से. So finally here is the final look of the bedroom. So guys, I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. Do make sure to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Please give this video a big fat thumbs up. Hit that like button if you like the content and do comment your thoughts below in the comment section.